अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल शरबत। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ के जी बासमती राइस ले लिया था, जिसे मैंने हाफ एन आवर के लिए भिगो के रख दिया था। देन यहाँ पर मैंने लिया था पानी, जिसमें मैंने ऐड कर दिया था पिंच ऑफ येलो कलर, हाफ लेमन का जूस, हाफ टी एस पी सॉल्ट, एंड इसे हम लोग उबालने के लिए रख देंगे। रेसिपी में टोटल 3/4 कप असली देसी घी जाएगा, जिसमें से मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर पैन पर ऐड कर लिया था। एंड देन यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया था हाफ कप नट, जिसमें मैंने लिया था काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली, एंड लास्ट में इसमें ऐड कर लिया था मैंने किशमिश। इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। सारे नट्स अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद इसे निकाल के रख देंगे हम साइड में। आप अपनी मर्जी के नट्स ऐड कर सकते हैं, जितनी क्वान्टिटी चाहिए आप उतनी क्वान्टिटी ऐड कर सकते हैं। देन इसमें मैंने फर्दर ऐड कर दिया था 2 से 3 टेबलस्पून घी। उसमें मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड किए थे, जो थे 4 स्मॉल इलायची, 1 दालचीनी, 2 लौंग। देन यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिया था हाफ के जी शुगर। हाफ के जी राइस के लिए हम हाफ के जी शुगर का इस्तेमाल करेंगे। एंड इसमें ऐड कर लेंगे हम 3/4 कप ऑफ वाटर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, शुगर हल्का पिघलने तक के हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इस रेसिपी में 450 ग्राम्स ऑफ पाइनएप्पल इस्तेमाल किए हैं, जिसकी मैं आधी प्यूरी तैयार कर ली थी एंड थोड़े से चॉप कर लिए थे, तो वो प्यूरी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। फर्दर थोड़ी देर के लिए हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पे चॉप किए हुए पाइनएप्पल है, उसे भी हम ऐड कर लेंगे। अब पिंच ऑफ येलो कलर मैंने सिरप में भी ऐड किया है। लास्टली हम इसमें ऐड कर लेंगे 150 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड मावा एंड इसे 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे धीमी आंच पर, जब तक ये जो शुगर है मेल्ट हो जाए, अच्छी तरीके से सिरप तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावल को हम लोग को पूरी तरीके से डन करना है, बिल्कुल भी कनी नहीं बची रहनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली कुक राइस तैयार है। एक बड़े से पॉट में मैंने नीचे थोड़ा सा सिरप ऐड कर लिया था एंड देन चावल ऐड करके बचा हुआ सिरप ऐड कर लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें पोर कर लेंगे लास्ट में अगेन 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो। एंड इसे गार्निश के लिए मैंने इस्तेमाल किया था थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मावा। इसे हम दम पे रख देंगे जब तक कि जो शुगर का पानी है वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से सूख जाए। लगभग इसे हमें 25 से 30 मिनट दम पे रखना है। तैयार हो जाएगी हमारा पाइनएप्पल शरबत। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।